न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। नेपाल में एक के बाद एक लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। शुक्रवार रात आए भूकंप में 157 से अधिक लोगों की मौत हुई। इसके बाद रविवार को 3.6 तीव्रता वाले एक और भूकंप के झटके ने नेपाल को हिला कर रख दिया। नेशनल सेंटर फॉर सिमोलॉजी ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि भूकंप सुबह 4:38 पर काठमांडू से 169 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। वहीं शनिवार दोपहर को 3.3 की तीव्रता से वाले एक दूसरे झटके ने भूकंप प्रभावित नेपाल के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया। बता दें कि ये शुक्रवार रात नेपाल में आए जोरदार भूकंप के बाद आया है, जो कि नेपाल में 8 साल में आया सबसे भीषण भूकंप रहा। नेपाल में शुक्रवार रात आए 6.4 तीव्रता के भूकंप के कारण देश के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई और 160 से अधिक लोग घायल हैं, जबकि सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह नेपाल में 2015 के बाद से सबसे विनाशकारी भूकंप है। नेपाल में 2015 इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।